हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं फार ऑटोमेशन, और बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से दोस्तों टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो चलिए, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये है जो है एयर टू गैस रेशियो कंट्रोल के ऊपर है। दोस्तों आप जानते होंगे कि अगर आप किसी फर्नेस रिलेटेड एप्लीकेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा कि एयर टू गैस रेशियो जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि मान लीजिए आपको कोई बर्नर जलाना है तो उसके लिए हमें एक फ्यूल चाहिए होता है, यानी कि कोई भी गैस है या लिक्विड है, जैसे कि नेचुरल गैस है या फिर प्रोपेन है, मीथेन है, ठीक है, सीओ गैस है। तो इस तरह की जो भी गैसेस होती हैं उनके साथ में हम एयर को मिक्स करके बर्नर को जलाते हैं। तो उसका लॉजिक कैसे बनता है उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो पीएलसी में जो है वो कैसे हम उसकी फिलॉसफी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, और मैं आपको एकदम लैडर लॉजिक बना के नहीं दिखाने वाला हूँ। आप जो है हर पीएलसी में अलग अलग बनता है, तो आप उसके पीछे की अगर फिलॉसफी जानते हैं तो आप किसी भी पीएलसी में प्रोग्राम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए एक मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा दी है, ये मीथेन है, ये 2O2, ये हमें ऑक्सीजन से ये जो एयर देते हैं उसमें से इसको O2 मिलता है, वो मिलकर CO2 और पानी, प्लस हमें क्या मिलता है, हीट, जिसकी हमें जरूरत है। इसके लिए हम सारा खेल कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए होती है, मैक्सिमम हीट, ठीक है ना दोस्तों। तो मैक्सिमम हीट हमको तभी मिलेगी जब पूरी की पूरी गैस जो है वो बर्न हो। वो पूरी बर्न कभी तभी हो पाएगी जब उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिले, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो सारे के सारे मेथेन के पार्टिकल जो है वो बर्न नहीं होंगे, और आपका जो गैस है वो अनबर्न कंडीशन में ही वेंट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि हीट लॉस होगा, एक तरह से ये कई सारे लॉसेस उससे जुड़े हुए होंगे। तो बेनिफिट देखिए, एयर टू गैस रेशियो क्या होता है कि हमें कितनी वॉल्यूम गैस पे कितना एयर जो है वो बर्नर को देना है, उसी रेशियो को कहते हैं एयर टू गैस रेशियो, सिंपल। तो दोस्तों ये जो है, देखिए सही गैस रेशियो के फायदे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए एक बार क्या क्या है। देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, यानी कि आपको जो अंडर का टेम्परेचर है वो भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक, अगर आप सही रेशियो रखेंगे तो। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। फ्यूल की कॉस्ट आपकी जो है वो कम होगी, क्योंकि अगर आप गैस को पूरी तरह जला नहीं पाएंगे तो क्या होगा, वो फ्यूल जो है वो वेस्ट जाएगा, उसका मतलब है पैसे का लॉस, ठीक है, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। फ्यूल कम्बसन जो है, देखिए लोअर फ्यूल कम्बसन होगा, यानी पूरा फ्यूल जलेगा नहीं, एक ही बात है। हजार्ड्स दोस्तों, हजार्ड्स मतलब क्या है कि अगर आप जो है किसी फर्नेस के अंदर सही रेशियो नहीं रखते हैं तो उस फर्नेस के अंदर एक्सप्लोजन होने का भी चांस रहता है। या मान लीजिए आपकी जो है गैस बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा दोस्तों कि प्रेशर बढ़ेगा और उसमें एक्सप्लोजन होने का चांस भी रहता है। इसलिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एयर टू गैस रेशियो जो है वो सही होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पोल्यूटेंट, ठीक है, अगर आप जो है अनबर्न गैसेज जो है एटमोसफेयर में भेजेंगे तो क्या है, वो एक तरह का पोल्यूशन है दोस्तों, ठीक है ना। या आप ये एयर ज्यादा रख रहे हैं तो भी उसमें भी पोल्यूटेंट, जैसे कि कार्बन सीओ जो है, सीओ मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होने लगती है फर्नेस के अंदर, ठीक। तो ये सब ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सही एयर टू फ्यूल रेशियो जो है वो रखना पड़ता है, जिसके लिए हम करते हैं एक ऑटोमेशन, ठीक। तो ये देखिए, ये हमारा एक तरह का प्रोसेस का डायग्राम है। यहाँ पे फर्नेस लगी हुई है, ठीक है। फर्नेस में क्या, फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं, मोस्टली थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है, वो मिली वोल्ट देता है। तो मिली वोल्ट जो है वो उसको हम पीएलसी को देने से पहले क्या करते हैं, एक ट्रांसमीटर लगा के मिली एम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये मिली वोल्ट दोस्तों जो है वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करेंगे, इसमें क्या है नॉइज आ जाएगा, तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट सही हो नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं, उसको मिली एम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा के, और दे देते हैं किसको, ये देखिए, ये एक एनालॉग इनपुट कार्ड है, ये पीएलसी के साइड में लगा होगा या कहीं रिमोट आयो में लगा होगा, उसको दे देते हैं। फिर इसकी स्केलिंग करके हम इस वैल्यू को, जो इसमें जो मिली एम्स आया है, उसको वापस से टेम्परेचर में स्केलिंग करके कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये येलो लाइन दिख रही है, ये जो है गैस की लाइन है। गैस का जो एक्चुअल जो फ्लो है दोस्तों, एक्चुअल फ्लो रेट मेजर करने के लिए हमने लगा रखा है एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, जो कि दो प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। दो प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, डेल्टा पी। डेल्टा पी का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो डायरेक्टली फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, फ्लो रेट कितना है, ठीक है। उसमें इस ऑरिफिस जो यहाँ पर दिख रही है, ऑरिफिस का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ऑरिफिस जो है दोस्तों अलग अलग साइज की
होती है, तो ऑर्फिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करके एक्चुअल फ्लो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमें यहाँ पे एयर और गैस के रेशियो में हमें मेंटेन क्या करना है, दोनों का फ्लो रेट जो है, दोनों का जो फ्लो रेट है वो उसका रेशियो जो है वो दोस्तों ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक। कितना रिक्वायर्ड है, मान लीजिए जैसे कि आरएलएनजी गैस है, ठीक है ना, आरएलएनजी गैस जो है कि नेचुरल गैस होती है, उसमें जो है मोस्टली हम रेशियो जो है वो 8:11 रखते हैं, ठीक है ना, मीथेन में 10:1 रखते हैं, ठीक। यानी कि 1 times गैस रहेगी और उसका 10 times एयर का फ्लो रहना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए गैस का फ्लो मैंने दोस्तों मैक्सिमम ले लिया है 120 nm³/hr, ठीक है, यानी कि इतनी गैस जो है एक घंटे में जा रही है, ठीक। तो एयर का फ्लो क्या होगा, अगर 10 का रेशियो पकड़ते हैं तो 0 to 1200 nm³/hr जो है हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा जो है वो एयर और गैस का जो है सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इस फ्लो को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे क्या दिखाया है, एक बटरफ्लाई टाइप का फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक। ये कंट्रोल वाल्व क्या है, 0 to 90 degrees इस डैम्पर को रोटेट करता है। इसको हम देते हैं 4 to 20 milliamps, 4 milliamps पे ये पूरा बंद रहता है, 20 milliamps पे ये पूरा खुल जाता है, ठीक है। इसका मतलब 12 milliampere पे क्या होगा, ये 50% खुल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये 4 to 20 milliamps के हिसाब से 0 to 90 degree घूमता है, उसके हिसाब से फ्लो जो है हमारा वो 0 से मैक्सिमम के बीच में रहता है, ठीक। तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व लग गया, एक्चुअल में कितना आ रहा है ये लग गया हमारा डीपीटी। तो अब हमारा एक क्लोज लूप बन जाएगा, हमें हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा पीएलसी में और अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, दोस्तों हमें बता दूं कि आपको अगर दो गैसेस का हमें रेशियो कंट्रोल करना है तो हमें क्या लगेगा, 3 PRD लगेगा कम से कम, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पहला जो PRD है वो किस चीज के लिए है, उस जोन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। अल्टीमेटली हमें करना क्या था, उस जोन का टेम्परेचर कंट्रोल करना था, प्लस हमें अपना फ्यूल का रेशियो भी सही रखना है, ठीक है ना। टेम्परेचर तो मेंटेन मान लीजिए गलत रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वही लॉसेस होंगे, ठीक। तो हमें सही रेशियो रखते हुए इस जोन का टेम्परेचर जो है वो जितना हम सेट पॉइंट डालें उतना हमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है अपने स्काडा या जहां से HMI से जो भी है सेट पॉइंट अपना दे देता है इस PID को, ठीक है। तो हम लॉजिक में इस PID के पहले PID को सेट पॉइंट जो है वो उसके जो सेट पॉइंट ऑपरेटर ने दिया है वो दे देंगे, ठीक है। और इसका एक्चुअल वैल्यू यहाँ से थर्मोकपल से TT लगा के मिल रही थी, आपने देखा था डायग्राम में, वो यहाँ से मिल जाएगी। और इसका आउटपुट जो कि 0 to 100% होगा, यानी कि 0 to 100 होगा, उसको दोस्तों हम PID 12 से मल्टीप्लाई करके दे देंगे किसको, एयर फ्लो कंट्रोल वाले PID 2 को, ठीक है। ये दूसरा PID क्या करता है, एयर फ्लो को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, कितना जितना उसमें सेट पॉइंट दिया गया हो, ठीक है। तो दोस्तों 12 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरा जो है एयर का मैक्सिमम फ्लो जो है वो 1200 था। अगर आपका 1300 है तो आपको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपको 500 है तो 5 से करना पड़ेगा, 50 है तो 0.5 से करना होगा, ठीक है। तो आपका जो भी मैक्सिमम फ्लो रहेगा एयर का, उसके यहाँ से आपको यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैक्सिमम फ्लो आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 1200 लाने के लिए मैंने इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ठीक है। उसके बाद जो है अब ये PRD को क्या मिल गया, एयर वाले PRD को दोस्तों क्या मिल गया कि एक सेट पॉइंट मिल गया, कितना मान लीजिए 100% आउटपुट आ रहा था तो इसको 1200 मिल गया। तो ये क्या करेगा, 1200 के हिसाब से यहाँ से आउटपुट देगा एनालॉग आउटपुट कार्ड से, वो आउटपुट होते हुए फ्लो कंट्रोल वाल्व तक पहुंच जाएगा। और फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, पूरा वाल्व को खोल देगा और गैस का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये गैस का फ्लो जो है मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1200 तक, ठीक है ना। 1200 तक वो जाएगा, उसको जितना भी सेट पॉइंट के लिए जितनी भी गैस की जरूरत पड़ती है वो अपना आउटपुट बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ से हमने एक्चुअल में जो भी एयर है उसका फीडबैक लेने के लिए ये DPT एनालॉग इनपुट के कार्ड के थ्रू होते हुए वापस PID तक पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और साथ में देखिए इसी एयर फ्लो को हमें यहाँ भी लेके आए हैं, यहाँ PLC में एक अलग से एक ब्लॉक यूज करेंगे डिवाइड करने का। और ऑपरेटर देखिए एक चीज और सेट करेगा, वो क्या क्या सेट करेगा, रेशियो, ठीक है ना। मान लीजिए रेशियो जो है वो अपने हिसाब से ऑपरेटर सेट करेगा 8 to 10 के बीच में, मैंने ये नेचुरल गैस का लिया है। तो जितना भी सेट करेगा उसमें एक्चुअल एयर फ्लो को इस रेशियो से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 1200 आ रहा था तो रेशियो 10 से, अगर इतने रेशियो 10 सेट किया है तो ये कितना आ जाएगा, 120 सेट पॉइंट किसको जाएगा दोस्तों, गैस फ्लो वाले PID को। चलिए यहाँ पे गैस फ्लो वाला PID आ गया, अब इसको सेट पॉइंट कितना मिलेगा 100% पे, 120, ठीक है।
जितना भी एक्चुअल में एयर का फ्लो होगा, ठीक है ना दोस्तों, एक्सपोजर ना हो, उसके लिए क्या चाहिए कि जो रेशियो है वो हमेशा सही रखे, सही रहे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जितना एयर फ्लो है उसमें इससे डिवाइड करके हम गैस को सेट पॉइंट देंगे, ताकि उतना ही गैस जाए। गैस जो है दोस्तों बहुत क्रिटिकल चीज है, और इसमें क्या है कि फर्नेस में गैस तभी जानी चाहिए जब एयर वहां पहले से जा रही हो, ठीक है ना। आप पहले गैस और बाद में एयर नहीं दे सकते, यानी कि गैस जो है वो मास्टर नहीं होना चाहिए एयर के लिए, हमेशा एयर पहले चलनी चाहिए, यानी कि एयर जो है वो मास्टर होना चाहिए और गैस जो है वो होना चाहिए उसका स्लेव। तो हमारा लॉजिक भी जो है वो वैसा ही बन रहा है, ठीक है। तो 120 सेट पॉइंट यहाँ पे जो भी आ गया उसके हिसाब से इसका आउटपुट निकलेगा। एनालॉग आउटपुट कार्ड से होते हुए फ्लो कंट्रोल वाल्व को जाएगा, ये जो है वो गैस के फ्लो को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये वाल्व जो है हमारा दोस्तों इस तरह से हम डिजाइन करेंगे, पाइपलाइन का साइज इस हिसाब से लेंगे और प्रेशर उतना ही सेट करेंगे कि 100% ओपन होने के बाद 120 का ही फ्लो आए, इससे ज्यादा ना आए, ठीक है। इसीलिए हम जो है गैस ट्रेन में जो है पहले प्रेशर रिड्यूस करते हैं, पीआरवी लगाते हैं, सेफ्टी वाल्व रिलीफ वाल्व लगाते हैं, सेफ्टी सेटअप वाल्व लगाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ लगाते हैं, लीकेज डिटेक्टर लगाते हैं, प्रेशर स्विच लगाते हैं, ताकि सारी चीजें जो है वो सही रहे और मैक्सिमम वाल्व खुलने के बाद भी इसकी जो लिमिट है सेफ्टी लिमिट 120, उससे ज्यादा फ्लो कभी भी ना आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये गैस का जो है फ्लो जो है यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, और एक्चुअल में कितना फ्लो है वो यहाँ से मेजर करके ये पीआईडी हमारा जो है वो इस अपने लूप को मेंटेन रखेगा। एयर वाला पीआईडी इसको मेंटेन रखेगा, और टेम्परेचर वाला पीआईडी जो है वो टेम्परेचर को लूप को मेंटेन रखेगा। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। और कभी कभी दोस्तों हम क्या करते हैं कि मैनुअल में भी चलाते हैं, मान लीजिए एयर को मैंने मैनुअल में सेट पॉइंट दे दूंगा, ये ऑटो सेट पॉइंट हटा के मैनुअल दे दूंगा, तो मैनुअल में जितना भी आउटपुट आएगा उसके हिसाब से ही गैस को आउटपुट जाएगा। गैस को मोस्टली दोस्तों मैनुअल में नहीं चलाना चाहिए, ये थोड़ा अनसेफ हो जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए एयर का वाल्व उतना खुला नहीं खुला तो एक्सप्लोजन होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों मुझे लगता है कि आप जो है समझ गए होंगे कि रेशियो जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब इसके हिसाब से इस पीआईडी की प्रोग्रामिंग आपको अपने पीएलसी में करनी चाहिए, ठीक है। और इनपुट आपका क्या है, आउटपुट क्या है, उसके हिसाब से आपका लॉजिक जो है वो सबका अलग अलग रहेगा। तो मैं लॉजिक वाला जो पोर्शन है वो नहीं दिखाया हूँ, सिर्फ उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, फिलॉसफी है, उतना ही दिखाया हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताइएगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर शेयर करिए, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू, तब तक हंसते रहिए खेलते रहिए, नमस्कार।